हेलो क्यूरियस चिल्ड्रन, दिस इज फोर्थ लेक्चर ऑफ फिजिक्स चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस लेक्चर में हम बात करेंगे फोर्स के बारे में, तो फिर आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, हमने अभी तक समझा कि एक इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेट की ही तरह मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। तो एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे, उनका नाम था एंड्री एम्पियर। उन्होंने कहा कि जब एक मैग्नेटिक फील्ड में कोई दूसरा मैग्नेट आ जाए, तब वो इक्वल और ऑपोजिट फोर्स एक्सर्ट करेगा। देखिए, ये एक रॉड है ए बी, और इसके साथ ही एक मैग्नेट भी है, जैसा कि आप देख सकते हैं वो एक यू शेप्ड मैग्नेट है। तो जब हम ए बी रॉड में से करंट पास कराएंगे, तो करंट की डायरेक्शन के बेसिस पर, मैग्नेटिक फील्ड के बेसिस पर जो ये रॉड है वो उस मैग्नेट से फोर्स एक्सपीरियंस करेगी। सर, हमें ये कैसे पता चलेगा कि फोर्स कौन सी डायरेक्शन में एक्सर्ट हो रहा है? ये बताता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। स्टूडेंट्स, अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन पता है, तो हम फोर्स की डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कहता है, अगर हम अपने लेफ्ट हैंड की फिंगर्स को इस पोजीशन में रखेंगे, यानी कि अगर हमारी जो फोर फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में होगी, हमारी जो मिडल फिंगर है वो करंट की डायरेक्शन में होगी, तो जब हम अपने थंब को स्ट्रेच करेंगे तब वो फोर्स की डायरेक्शन में होगा। ये कहता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। क्या आप जानते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि जो किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट है वो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को एक्सप्लेन करता है? क्या ये सच है? गूगल सर्च कीजिए और इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में मुझे बताइए। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में। क्लिक हियर टू गो टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। Thank you for watching and have a good day.